नमस्कार दोस्तों, नाइचिन चैनल को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एल्प्रेक्स टैबलेट के बारे में। ये इतना पॉपुलर मेडिसिन है कि इसे हर कोई जानता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक तरह की बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, एक तरह की बहुत ही घटिया मेडिसिन है। तो आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। ये दवा बेंजोडिएज़ेपाइन ग्रुप के अंदर आता है। ये ब्रेन केमिकल्स के ऊपर काम करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काम करता है। इसका एक्शन मैकेनिज्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जो मेडिसिन है, ये एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आना या घबराहट की वजह से अलग तरह की महसूस होना, इस तरह की केसेस में ये मेडिसिन दी जाती है, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए दी जाती है। लेकिन इसका आदत लोग बना लेते हैं, आदत ऐसा स्टेज तक आ जाता है कि लोग एक एक पत्ते एक दिन में खा लेते हैं। देखिए, ये एल्प्रेक्स टैबलेट जिसे टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, इसका एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट आता है, जिसका प्राइस 25 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा मार्केट में, या आपको किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इसे नशा के लिए यूज करते हैं, इसलिए ऑफलाइन स्टोर में आपको प्रेस्क्रिप्शन मांगेगा लेने के लिए, और ऑनलाइन में भी। इसका इंग्रेडिएंट्स एल्प्रोलोजोलम है। ये ब्रेन केमिकल्स के ऊपर काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काम करता है। इसका एक्शन मैकेनिज्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसको डॉक्टर्स नॉर्मली 2 to 4 वीक्स देते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ज़्यादा खा लेते हैं, और कुछ लोग को पता नहीं चलता है कि नींद की गोली है, उन्हें ये गोली खाने से अच्छा लगता है तो खा लेते हैं। लेकिन मेरे माने तो यदि कोई भी टैबलेट खाने से आपको नींद आ रहा है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कंपोजिशन चेक कर सकते हैं कि कंपोजिशन में ये जो है हमारा जो एल्प्राजोलम है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नींद की मेडिसिन है या नहीं है। यदि आप इसे बहुत दिन तक यूज कर दिया है, तो आपको बहुत सारा साइड इफेक्ट दिखा सकता है, जैसे ये टैबलेट के बिना नींद ना आना, थकान महसूस होना, इस तरह के बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखाता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, नींद आने के लिए घरेलू नुस्खा भी उपयोग में ले सकते हैं आप। देखिए, नींद आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करना होगा, योगा करना होगा, बॉडी मसाज करना होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप नेचुरल तरीके से करके आपका नींद को ला सकते हैं। आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं कि आप कैसे नॉर्मली मतलब नींद ला सकते हैं, आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएगा, तो आप उसे नेचुरल तरीके से फॉलो कर सकते हैं, आपको ज़रूर नींद आएगा। आपका लाइफस्टाइल को चेंज करिए, नींद ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो तक निकले सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।